think you should know me, right? On the half a replica. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सभी का दोस्त विश्वास और आप देख रहे हैं द 38 डूड। दोस्तों आज हम खेल रहे हैं एक नया गेम जिसका नाम है पॉप सीन। और ये एक गेम जो हम जो W3D या हार्ड टाइम स्कूल डे सर्वाइवल टाइम जो भी गेम्स हम खेलते हैं वो सारे का जो सारे गेम्स का जो डेवलपर है मिस्टर मैट डेकी, उन्होंने ये गेम को बनाया है। और ये गेम है म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में कि जिस तरीके से W3D में हमको बताते हैं किस तरीके से हम एक रेसलर बनते हैं, करियर मोड खेलते हैं, किस तरीके से रेसलिंग इंडस्ट्री काम करती है, उसी तरीके से ये एक गेम म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री काम करती है वो इस गेम में दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहला एपिसोड है, देखते हैं किस तरीके से हमारी म्यूज़िक जर्नी रहने वाली है। स्कूल डेज हार्ड टाइम का एपिसोड आएगा और W3D का एक स्पेशल एपिसोड, और उस एपिसोड से प्रॉबेबली ये जो सर्वाइवर एरा ख़त्म हो जाएगा और उस एपिसोड का नाम होगा W3D सर्वाइवर एरा। और पेपर भी होगा वो ऑल अमेरिका रेस्टिंग वर्सेस फेडरेशन ऑनलाइन के बीच में, तो उसका वीडियो आने वाला है। मैंने दो मैचेस उसके रिकॉर्ड कर लिए हैं, तीसरा मैच रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और वो वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा। तो अभी हाल फिलहाल में हम वीडियो से देखते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड इस वीडियो का किस तरह से रहने वाला है। और गेम को स्टार्ट करते तो वापस आते हैं, चार ऑप्शन, म्यूज़िक करियर, म्यूज़िक प्लेयर, प्रैक्टिस पास ऑप्शन। प्रैक्टिस पास अभी हम नहीं ले रहे हैं, ना ही हम हैक में करेंगे, सोचों के पहले देख लें गेम किस तरीके का है। मैंने इस गेम को पहले एक बार खेला है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। स्टार्ट न्यू इनहेरिट यूनिवर्स रिस्टोर डिफॉल्ट, तो इनहेरिट यूनिवर्स कर लेते हैं। और हमारे पास कोई भी ऑप्शन को एडिट करने का मतलब नहीं है, हमारे पास समय बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैकस्टेज पास हो वो वगैरह कुछ भी नहीं है। इसलिए चलिए ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं और हम अंडरग्राउंड सीन से स्टार्ट हो रहे हैं। 2D गेम है, वेलकम टोनी लैंड, दिस इज़ वेयर मोस्ट आर्टिस्ट गेट स्टार्टेड। तो अंडरग्राउंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपना गेम। द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी गिव यू फुल कंट्रोल ओवर योर करियर एंड यू गेट टू कीप मोस्ट ऑफ व्हाट यू अर्न। ओके, सो बट द अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड, सो यू नीड टू सिंग विद अ मेजर लेवल इवेंचुअली। ओके ठीक है। दैट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग हिट्स एंड देन टेकिंग देम ऑन द रोड टू मेक अ नेम ऑफ फॉर योर सेल्फ। ओके ठीक है, तो हमको ये सब बता रहे हैं गाइडेंस किस तरीके से गेम को खेलना है और म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमको किस तरीके से अपना एक जो है अच्छा मुकाम कायम करना है। टोनी लैंड हमारा नाम, तो आपको जिस तरीके से पता है टोनी लैंड जो है वो W3D में भी है, एक कोच है शायद ना, और इसमें ये है। तो अगर ये गेम अच्छा लगा मुझको तो मैं इसका बैक स्टेज पास भी ले लूँगा, इसको एडिट वगैरह करेंगे हम अच्छे से। पहले इस गेम को ट्राई कर लेते हैं, पहला एपिसोड है आज, तो समझ दीजिए कि टोनी लैंड ये प्लास्टिक सर्जरी से पहले का टोनी लैंड है और उसके बाद हम कुछ और नाम बदल देंगे दूसरे एपिसोड में। अभी सिर्फ हम ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मतलब काम करेगा। तो हैप्पीनेस 90%, एटीट्यूड 90%, राइटिंग हमारी 50, प्रोडक्शन 60, परफॉर्मेंस 70, पॉपुलैरिटी 60 एंड रेपुटेशन। ओके मैं पढ़ रहा था उसको, रीपॉपुलेशन रेपुटेशन 50 है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑडियंस आई हैव एवर प्लेड बिफोर, सो आई होप यू एंजॉय इट एज मच एज आई विल। ओके तो ट्रैक 1 है हमारे पास, पहला ही ट्रैक करते हैं प्ले। लोगों को पसंद ज्यादा नहीं आ रहा है गाना। ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा लोगों को ये गाना, जैसे आप देख सकते हैं रेटिंग्स वगैरह सारी कम है। जितना ये म्यूज़िक लंबा चलेगा उतना रेटिंग्स बढ़ सकती है। थोड़े यहाँ आ जाता हूँ मैं, अपना ट्राई हार्ड, बहुत ट्राई हार्ड हो रहा है। पसंद नहीं आ रहा लोगों को, चलिए स्किप कर देते हैं।
ओके ऑल द रिमेंस थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। तो भाई हैप्पीनेस टैलेंट पॉपुलैरिटी बढ़ गई। समटाइम सिंबल लाइक दिस कैन बी अम्यूजिंग बट हाउ लॉन्ग विल द जोक लास्ट ऑल्दो इट अपील्स टू लोएस्ट कॉमन डिमोनेटर इट्स ए स्टार्ट द परफॉर्मेंस डिडंट डू जस्टिस टू द मटेरियल एज द सॉन्ग देमसेल्व्स आर बेटर देन दे साउंडेड हियर द क्लोजेस्ट थिंग टू बी हाईलाइटेड वाज स्टोनिस लैंड्स एफर्ट ऑन ट्रैक वन। तो दोस्तों ये एक म्यूजिक रिव्यू था और देखते हैं क्या होता है। टोनी लैंड रेवेन्यू हमारा ओहो $165 का रेवेन्यू हुआ है हमारा। शर्म से आए लोग हंसे और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022 और ये बड़े सितारे हैं एपिक टैलेंट। ये टेमन बैरी ब्राइटेस्ट ब्लॉक रोलिंग स्टोन। तो ये जो मैगजीन कॉमिक बोल रहा था मैगजीन है और इस मैगजीन में डायमंड बैरीज राइटिंग स्किल्स हैव डिटर्नेटेड कंसिडरेबली इन रिसेंट वीक। इनके राइटिंग स्किल खराब हो गए हैं। क्रिक डेव हैज़ बीन रिलीज बाय रॉक आउट रिकॉर्ड्स एंड मस्ट नाउ मेक्स एंड मेड टू द इंडिपेंडेंट सीन। अर्बन रिकॉर्ड हैव पोर्च जॉन लेमन फ्रॉम एपिक टैलेंट इन ए डील वर्थ ऑफ 673,440 में सोल्ड आउट हो गए हैं। MNME के जो लेमन है वो SG शीड्स द पाउंड्स। ओके क्या है ये वो JG का वो। टोनी लैंड हैज रिटन ए न्यू सॉन्ग फॉर द लेटेस्ट प्रोजेक्ट हेड टू द स्टूडियो टू फाइंड ट्यून द डिटेल्स। तो रोलिंग स्टोन टोनी लैंड न्यू मटेरियल। तो ये जो अंकल हैं टोनी लैंड यार मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं बैक स्टेज पास परचेस करूँगा यार। मैं ये बुड्ढे के साथ मैं नहीं खेल पाऊँगा। लिसन टोनी लैंड आई हैव बीन कीपिंग ए क्लोज आई ऑन योर प्रोग्रेस एंड आई थिंक चेंजेस नीड टू बी मेड। योर राइटिंग इज इंट गुड इनफ टू कंपोज म्यूजिक दैट हैज सब्सटेंस। Get your average writing skill up to 52% by the fourth week of tour or the writing will be on the wall. Okay, ठीक है भाई धमकी मिल रही है यार हमें। तो राइटिंग स्किल हमको अपने मजबूत करने हैं। तो राइटिंग मुझको ये गेम एक तो खेला नहीं आता बिल्कुल भी। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे खेलें इसको। ये हमारा पहला ट्रैक। अच्छा इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब रुक जाओ भाई साहब भाई साहब। आप लोगों में से किसी ने गेम खेला है क्या? आई डोंट नो मैन कि किसी ने भी इस गेम को खेला होगा। ये क्या है? ड्रैग टू डबल टैप टू एडिट डबल टैप टू एडिट व्हाट डबल टैप टू व्हाट एडिट। इसका हम रख देते हैं नाम जो ब्रो। जो ब्रो ज़्यादा अच्छा नाम लग रहा है टोनी लैंड से। तो और एपिक टैलेंट अर्बन द अंडरग्राउंड लेगेसी रिकॉर्ड्स सुपर साउंड रॉकआउट रिकॉर्ड्स। तो ये वो लोग हैं जो कि पॉपुलैरिटी इनकी कम हो रही है इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो दूसरे लेबल्स के लोग हैं ये। दूसरे लेबल्स के रिकॉर्डधारी हैं ये लोग। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ यार? अनसाइंड प्लस अच्छा मतलब कोई है ये स्टूडियो में तो ये सब है रिक्रूट में ये है और पब्लिशिंग में क्या है रिलीज एल्बम प्रोजेक्ट वन। एल्बम का नाम रख देते हम एल्बम का नाम रखते हैं हम ALBU एल्बम ऑफ फायर
एल्बम ऑफ फायर रखी है इसका नाम। अरे ये क्या हो रहा है, PRO FI एल्बम ऑफ फायर FI की स्पेलिंग सही है ना? आई डोंट नो मैन, मैं गधा हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। तो इसको सिंगल रिलीज़ कर देते हैं, ट्रैक वन, ट्रैक टू हटा दो। आर यू श्योर? यस सर, रिलीज़। यस यस यस, देखते हैं क्या होता। लोग हंस रहे हैं एल्बम फाइव पे, हंस रहे हैं लोग। दिस सेप्टेम्बर, दिस मेजर ऑफ दिस मेजारे ऑफरिंग इज मोर ऑफ ए सिंगल देन एन एल्बम। इट डिजर्व डिजर्व टू बी मार्केट एज सच एंड ही वॉन्ट मेक मच मनी फ्रॉम दिस क्लिनिकल एक्सरसाइज। तो हमारी मजाक उड़ रही है इसमें, तो चलो देखते हैं इसको परफॉर्म करते हैं। I'm excited to be in this store today to celebrate the release of my latest album, Album of Fire. जो कि इसकी फायर की फिल्म सही नहीं लग रही। I'm going to play some tracks for you now, and if you want more to be picked up the album, okay, ठीक है। तो चलो भाई नाचो भाई। नाचो 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 नाचो, लोगों को पसंद आ रहा है। नाचो, अब पता है इसमें अपने गाने भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी मैंने ना ही NCS के कोई गाने डाल, क्योंकि अगर मैं स्ट्रीम उसमें वीडियो में गाने चलाऊंगा तो फिर क्या बोलते हैं कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए। बस यहीं रुक जा भाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ यू लाइक द व्हाट यू हर्ड, बी श्योर टू पिक अप द एल्बम। समटाइम्स इट्स शेम्बल लाइक दिस कैन बी एज म्यूजिक, बट हाउ लॉन्ग विल द जोक लास्ट ऑल द टपल्स। अरे वही है, ठीक है। शेम अबाउट द फेस, Fly like a bird, having it off, 2020 sky, 2,86,000 purchase। तो ये टॉप लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के। Fiance renews deal, क्या है बे? Joe Bro has reached his highest chart position yet with album at #37। ओह माय गॉड, थोड़ी सी पॉपुलरिटी हुई हमारी, प्रोडक्शन कम है। राइटिंग, टैलेंट, रेपुटेशन सब बढ़ी है थोड़ी थोड़ी। वाह नाइस यार। जो ब्रो हैज बीन चैलेंज टू इम्प्रूव हिज राइटिंग 52% बाय द 52 राइटिंग 53 हो गई, बहुत चुका हुआ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो ब्रो, यू फॉलोड माई एडवाइस एंड मेड योर प्रॉस्पेक्ट बेटर देन एवर। I wish I could offer you a reward, but at this level, experience is the only reward there is. Okay, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता यार, मैं ये आप समझ लो ये डेमो एपिसोड था एक, कि आप किस तरीके से इस गेम को खेलते हो, क्योंकि है ना ये एपिसोड मुझको है ना इसलिए मुझे पसंद नहीं आया टोनी लैंड इस जो प्रो जो भी है। तो मैं ना कस्टम एक कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझको इस गेम को हैक करना होगा, इस गेम को हैक करूँगा। ठीक है, हैक करूँगा मतलब मोड वगैरह लूँगा, इसके बैक स्टेज पास लूँगा, और इसके बाद इस गेम को खेलूँगा मैं। और तो आपको आज की वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो वीडियोज़ हैं स्कूल टाइम और मतलब स्कूल डेज और सर्वाइवल और हार्ड टाइम
या फिर दबरा 3D के अन्य वीडियो से वो भी आएंगे और लाइव स्ट्रीम भी करता रहूँगा मैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।